plant which live on other organisms and derive their food from them as a parasite. इसका मतलब ये है कि वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में कॉस्पेटा, ये जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं उन्हें कॉस्ट कहते हैं, और जो एग्जाम्पल लिए थे कॉस्पेटा वो उसके ऊपर लेके उनका खाना लेते हैं. एंड सेकेंड इज सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस आर दोस प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड वर सैक्रिफाइस. इसका मतलब ये है कि वो ऐसे पेड़ होते हैं जो मरे और सड़े चीज़ों से अपना खाना लेते हैं. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मशरूम, ब्रेड मॉल्स और जैसे पेड़ों का हम सैक्रिफाइस ले सकते हैं. थैंक यू. एवरीवन, आई एम सोनाक्षी महापात्र ऑफ क्लास 7. टुडे आई एम टीचिंग यू अबाउट हार्ट. सो बेसिकली हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच पंप्स द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. अब हमें ब्लड वेसल्स होता है. ब्लड वेसल्स एक ऐसा ट्यूब होता है जो हमारे ब्लड को कैरी करता है टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स. इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम. अगर हमको कोई पूछेगा तो हमारे हार्ट का साइज कितना होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे हार्ट इज रफली टू आवर साइज ऑफ आवर फिस्ट. अभी फिस्ट क्या होता है? फिस्ट एक हमारा जो जब हाथ होता है, जब हम उसको मुट्ठी बनाते हैं जो जितने साइज का होता है तो उसको कहते हैं फिस्ट. जैसे कि कुछ बच्चों का हार्ट का साइज अलग हो सकता है, बड़ों का हार्ट का साइज अलग हो सकता है. सो डिपेंड बाय एज के हिसाब से हमारे हार्ट का साइज भी अलग होता है. अभी हमारा हार्ट बनता किस मसल से? जैसे मैंने पहले बोला था कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, तो ये मस्कुलर ऑर्गन है क्या? हमारा हार्ट किस मसल से बनता है? हमारा हार्ट जो होता है वो एक स्पेशल मसल्स नोन एज कार्डियक मसल से बनता है विच इज नॉट ए सॉलिड मसल्स. यानी हमारा हार्ट जो होता है वो जो कार्डियक मसल होता है वो स्ट्रांग तो होता है लेकिन सॉफ्ट भी होता है. जैसे हमने ओब्लिक देखा होगा, ओब्लिक को जब हम फोर्स के साथ उसको मारते हैं तो वो हार्ड उसका रिएक्ट होता है, लेकिन जब हम सॉफ्ट के साथ करते हैं सो इट विल बी वो बहुत धीरे धीरे से, मतलब हमारे सॉफ्ट करने से होता है. अभी मैं आऊंगी डायग्राम एक्सप्लेनेशन. हमारा हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, टू आर्टरियस एंड टू वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. तो चलो पहला हमारा जो ये होता है इसको कहते हैं, सो पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रिजिड ऑक्सीजन वो पल्मोनरी वेन से आता है लंग्स के द्वारा. पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द पल्मोनरी वेन, देन कम्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, देन इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द अटोरा टू पंप द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. Then oxygenated blood convert into deoxygenated blood means rich in carbon dioxide. Then this deoxygenated blood enters into the vena cava, also known as main vein. Then it enters into the right atrium. Then it enters into the right ventricle. Right ventricle pumps the deoxygenated blood to the pulmonary artery to lungs. Then it goes out. Then in the lungs, exchange of gases takes place, like deoxygenated blood converts into oxygenated blood, and then this process takes place. Then now let's understand what is valve, pericardium, and septum. Valves are the tubes or valves are the product present in our heart which helps in backflow of the blood. हमारे heart में चार types, चार जगह valve होते हैं. एक लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और एक राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में. देन हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज अ थिक शीट मेड अप ऑफ टिश्यू व्हिच प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट. पेरिकार्डियम एक ऐसा मोटा सा शीट होता है जो हमारे मेड अप ऑफ टिश्यू टिश्यू से बनता है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद आते हैं हम सेप्टम. सेप्टम होता है, सेप्टम एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है. तो थैंक यू, आई होप यू लाइक इट.
My name is Arun Mahdi. I will teach you motion chapter uniform motion. First, uniform motion. Motion with a straight line are going in a constant speed. They are called uniform motion. Example, in a graph, this is uniform motion. Uniform motion and on uniform motion, the motion which not going a straight line in constant speed, they are called non-uniform motion. And the objectal motion. Good afternoon, everyone. I am Supriya Vera. So today we shall learn about photosynthesis. So take the term photosynthesis. Photo means anything related to light, and synthesis means formulation of produce. So together they make photosynthesis. The process in which green plants make their food from simple substance like CO2 and HO2 in the presence of सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट और वाटर के मदद से, वो भी क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये ओनली ग्रीन पिगमेंट्स वाले प्लांट्स में नहीं होते, ये अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि जिसका ग्रीन कलर या यानी कुछ भी अलग डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं। ये ओनली लीव्स पे भी नहीं होते, ये स्टेम्स में होते हैं जिसका स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जिसके स्टेम और ब्रांचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैक्टस, उसके स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि ग्रीन पिगमेंट है। ये सन है और ये लीव्स है। यहाँ पे हम ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड जब देते हैं, तो इसके अंदर वो प्रोड्यूस होके हमें ऑक्सीजन रिटर्न करता है। ऑक्सीजन इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चार सब्सटेंस मौजूद होते हैं। सन इसका अल्टीमेट सोर्स है, मतलब ये ओनली दिन में ही होता है। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, आई एम संजिता चन्ना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड को जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ब्रेकडाउन होकर हमको यूटिलाइज होता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नॉरिशमेंट। सेल्फ नॉरिशमेंट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसका CO2 H2O बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा कर सकते हैं। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस CO2 H2O बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेटरो एंड ट्रॉप्स। हेटरो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नॉरिशमेंट। वो अदर नॉरिशमेंट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डेराइव फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन
human, animal, or all non-living plants. Welcome to all. I am Ashwin Sahu. And today I am going to teach you nutrition. तो nutrition में बहुत सारे plants अलग अलग type के nutrition करते हैं. जैसे कि autotroph होता है, heterotroph होता है, symbiosis होता है, parasitic होता है, insectivorous होता है. पर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ insectivorous plants के बारे में. तो first insectivorous plants क्या होते हैं? The plants which eats insect to fulfill their nitrogenous requirement, they are called insectivorous plants. इसके examples है pitcher plant, venus flytrap. ये लोग इंसेक्ट को पकड़ के उनसे नाइट्रोजन लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए. जैसे कि पिचर प्लांट होता है, वो एक जब जब टाइप का होता है जो कि जिसके अंदर जब इंसेक्ट जाता है तब वो अपने लीड को धीरे से बंद करता है और वो अपने अंदर छोटे छोटे टेंट में हैस होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को सेंस कर सकता है. और लीड को बंद करने के बाद वो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है जिससे कि वो अच्छे से इंसेक्ट को पचा के डाइजेस्ट कर सके. अब इंसेक्टिवरस प्लांट्स. गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सुदर्शनी. आई एम गोइंग टू टीच अबाउट मोशन एंड रेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट मोशन. व्हाट इज मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन. गति, गति का मतलब जब गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु अपने स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के बराबर समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं. किसी भी दिशा में वस्तु अपनी स्थिति बदलने के समय दर को गति कहते हैं, वस्तु की गति कहते हैं. मोशन का एग्जाम्पल है. जैसे कि हमने पढ़ा था मोशन गति का मतलब है कि वस्तु अपनी स्थिति बदलना और अपने आसपास की वस्तुओं के समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं. तो यह वस्तु अपने स्थिति बदल रही है और अपने समय भी बदल रही है. तो यह गति का उदाहरण है. अब then I will read about rest. What is rest? When an object does not change their position and does not change their position with respect to the time surrounding is called rest. विश्राम मतलब जब किसी वस्तु अपने स्थिति अपने आसपास की वस्तु के बदल विश्राम मतलब जब कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने आसपास की अपने आसपास की वस्तुओं के समय नहीं बदलता है तो उसे विश्राम कहते हैं. Oh.
विश्राम का उदाहरण है। जैसे कि हमने पढ़ा था विश्राम मतलब जो वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है और अपने समय के अनुसार नहीं बदलती है तो उसे विश्राम कहते हैं। तो ये अपनी स्थिति नहीं बदल रही है और अपनी समय भी नहीं बदल रही है तो इसे विश्राम कहते हैं। Good evening all, my name is Himanshu. Today I am teaching about electricity. तो electricity एक form of charge होता है जो कि एक conductor से flow करता है। So, it is very useful for our in our life because it has many electrical appliances which make our work easier. It's The SI unit of electricity is ampere. इसका मतलब है कि electricity हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत है कि वो हमारे कामों को easy बनाता है और इसका SI unit है ampere. Good evening, it's Sia. तो आज हम पढ़ने वाले हैं reproduction in plants. Reproduction in plants में हम पहले समझेंगे reproduction क्या होता है। जब एक प्लांट अपना खुद का प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म अपना खुद का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में दो टाइप का मोड्स होता है, पहला एसेक्सुअल, सेकंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में बहुत सारे एसेक्सुअल में भी बहुत सारे मोड्स होते हैं। जैसे तो पहले हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक पैरेंट यूज होता है और सेक्सुअल में जिसमें दो पैरेंट्स होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मोड्स होते हैं जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये एक डायग्राम है बडिंग का। तो जब ये मैथड यूज होता है मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये यूज होता है। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट मम्मी एक मदर ईस्ट होता है, फिर उसका न्यूक्लियस से बहुत सारे ईस्ट बनता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे आई विल टीच अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। माय सब टॉपिक इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेट्स स्टार्ट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मींस व्हाट? द फ्लावर इन व्हिच वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। For example, add papaya, watermelon, corn, cucumber. Let's start with bisexual flower. By the flower in which both the reproductive organ is present, the male and the female, is called bisexual flower. Example is rose, mustard, petunia. Thank you. Good evening, my name is Rosalind. Today I am going to tell about types of motion. So first, rectilinear motion. What do you mean by rectilinear motion? And motion, an object which moves in a straight line path is called rectilinear motion. For example, we can say motion of march past on a parade and motion of train in a straight line. Then second is circular motion. The motion in which the path goes circular is called circular motion. For example, in circular motion we can say in a child in a merry-go-round. Then rotational motion. Rotational motion means the object spins or turns on a fixed axis is called rotational motion. Example, the blades of a fan. Then periodic motion. What do you mean by periodic motion? Periodic motion means the motion which itself moves in a fixed interval times. Example, the athlete when it runs, their hand